हे गाइज, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी का जो रेगुलर कोर्सेस है उसके लिए एप्लीकेशंस का जो लास्ट डेट है वो आपका कल तक है। साथ में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनली आज से आपका पीजी के ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा जो वोकेशनल कोर्सेस होते हैं जिसमें आपका पीजी डीसीआर यानी पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, एमबीए यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस, इसके बाद ब्लीस और एमलिस जैसे कोर्सेज, साथ में एमए एलएसडब्ल्यू में भी जो सारे कोर्सेज होते हैं यानी एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम सारे कोर्सेज जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं पीजी के, वो तमाम सारे वोकेशनल कोर्सेज में आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फाइनली आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन इसके वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जा चुका है और ये अपडेट आज के इस वीडियो में आपको कंक्लूड करके बता दे रहा हूं। तो क्या कुछ आपका पीजी के रेगुलर कोर्सेज या फिर बात की जाए अगर वोकेशनल कोर्सेज यानी ये जो सारे कोर्सेज है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये तमाम सारे कोर्सेज को लेकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंडिडेट के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको ज्यादा टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हूँ और यहाँ से आने के बाद आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं इसके लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में यानी इसके अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन में। और हम लोग आ जाते हैं अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पे। जैसे हम लोग व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद तमाम सारे नोटिस यहां पे दिख जाते हैं और सबसे ऊपर में आपको एक नोटिस मिलता है रिगार्डिंग पीजी वोकेशनल एडमिशन 2022-24। एंड अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका है नोटिस। और अगर हम लोग क्लिक हेयर करते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ खुल जाता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सारे पीजी के वोकेशनल कोर्सेस है यानी अभी मैंने जो कोर्सेज का नाम बताया जैसे आपका एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे कोर्सेस में जो एडमिशन है उसके लिए कैसे आपको कब तक अप्लाई करना है, देखें यहाँ पे बताया गया है कि द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर क्या किया जाएगा, इन्वाइट किया जा रहा है। और ये कब तक आपको इन्वाइट किया जा रहा है, तो 14 सितंबर आज से यानी स्टार्ट है आपका और इसका लास्ट डेट आपका 19 सितंबर है। तो जस्ट 5 डेज, मात्र आपको 5 दिनों का टाइम मिला है, तो आपको फटाफट अप्लाई करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 21 सितंबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का लास्ट डेट 24 सितंबर। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा 26 सितंबर को, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 29 सितंबर सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को। थर्ड मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को लास्ट डेट आपका थर्ड लिस्ट वालों के लिए। एंड इसका जो क्लासेस है वो 15 अक्टूबर से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका एमबीए का वो 21 को नहीं बनेगा बल्कि इसके लिए एक सेपरेट सिस्टम होता है क्योंकि एमबीए का जो एडमिशन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है जिसमें आपका जीडी होता है एंड पीआई होता है। जीडी आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई आपका पर्सनल इंटरव्यू। ये आपका कंप्लीट होगा 23/9/2022 से लेकर 24/9/2022 तक यानी 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक सबसे पहले आपका जीडी होगा और पीआई होगा। वैसे तमाम सारे कैंडिडेट के लिए जो एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका मेरिट लिस्ट बेसिकली आएगा 23 और 24 के बाद यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमबीए का आएगा 27 सितंबर को 1 अक्टूबर तक इसका एडमिशन और सेकंड मेरिट लिस्ट एमबीए का आएगा 7 अक्टूबर को इसका एडमिशन 10 अक्टूबर तक। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो पीजी वोकेशन कोर्सेस में आपको अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी BC1 कैटेगरी एंड BC2 कैटेगरी के बॉयज एंड गर्ल्स को 400 रुपीज पे करना होता है, SC ST के लिए 300 रुपीज। एंड अगर एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर वोकेशन कोर्सेस, तो सबसे पहले अगर मैं एमबीए कोर्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बात की ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से और 45% भी होगा तो चलेगा लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं। और इसके बाद साथ में ध्यान रखें कि इन एग्रीगेट आपको करना है, किसमें आपका एग्रीगेशन होना चाहिए यानी कौन कौन से आप एग्जाम देने होने चाहिए, तो इसमें देखिए बताया जा रहा है सीमेट, मैट यानी आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीमेट, मैट, AIMA, कैट, एक्सैट, इसके बाद सीमेट, ये सारे जो कोर्सेस है आपको इसमें एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिए हुए रहते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा जीडी और पीआई में। और स्टूडेंट को क्या करना है, द स्टूडेंट बियरिंग कैट मैट वगैरह वो को क्या करना है, उन लोग को सिंपली क्या कहा जाता है, साथ में याद कि बताया जा रहा है द स्टूडेंट्स बियरिंग यानी जिनके पास कैट वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ये सारा सर्टिफिकेट रहेंगे विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द स्टूडेंट हु डू नॉट प्रोसेस द एबव स्कोर। मतलब कहने का मतलब है कि जीडी पीआई के साथ साथ में अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कंपेयर टू वैसे बच्चों के साथ जिनके पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स है देन आपको एडमिशन लेने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। आगे अगर बात की जाए एमसीए कोर्सेस के बारे में तो एमसीए के लिए ध्यान रखना है कि आपको बीसीए होना चाहिए विद 45% और साथ में आप या तो आपका ये कंडीशन बीसीए होना चाहिए 45% के साथ या फिर आपका
का आप 5 होने चाहिए मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री में, यानी या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, साथ में प्लस टू लेवल में आपका यानी जो क्लास ट्वेल्थ रहा उसमें आपका 55% होना चाहिए, मैथ स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे कोर्सेज में भी रहेगा तो आपका चलेगा। तो ये तमाम सारा इंस्ट्रक्शन आपको एमसीए के लिए दिया गया, सेम एज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी बारे में बताया जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसमें, लाइफ साइंसेज कोर्सेज में, यानी बायोटेक में, बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बीटेक में, बायोटेक्नोलॉजी में, बीएससी एग्रीकल्चर में, बैचलर इन वेटरनरी साइंस में, ये सारे कोर्सेज में आपका 55% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एससी एसटी या ईबीसी के लिए 45% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए तो आपका बीएससी होना चाहिए विद बॉटनी के साथ, जूलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, तो आप कर सकते हैं, या फिर आपका एनवायरमेंटल साइंस या इंजीनियरिंग, यानी एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस में आप ग्रेजुएट होना चाहिए बेसिकली। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात किया तो आप ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, या आपका साइंस में ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स के साथ हो, मैथ के साथ हो, और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो ग्रेजुएशन आपका किसी भी कोर्स के साथ होना चाहिए विद 45%, एंड अगर एमए इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर के बारे में बात की तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% के साथ। एमब्लिस के लिए आपको ब्लिस आप पास आउट होने चाहिए, ब्लिस के लिए आपका क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में मिनिमम आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, और पीडीसीआर यानी पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च के लिए आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। रिजर्वेशन रूल बिहार वाला रूल लगता है, यानी अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपका बिहार के साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बेसिकली बनता है ग्रेजुएशन का जो आपका परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, और ईयर गैप की अगर बारे में बात किए तो अगर आपका गैप होता है तो 2% के साथ आपका डिडक्शन किया जाता है पर ईयर में, और मैक्सिमम आपका 8% का डिडक्शन होता है, यानी 8% आपको परसेंटेज क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। ये आपका सिचुएशन है अगर आपका गैप वगैरह होता है तो। ये आपकी बात हो गई आपको वोकेशनल कोर्सेज में। वहीं अगर रेगुलर कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो रेगुलर कोर्स में जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा था, और बढ़ करके जो लास्ट डेट आपका कल तक है यानी 15 सितंबर तक आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट है, यहाँ भी आप इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली आप देख सकते हैं। हालांकि जो पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैं बाकायदा एक वीडियो लाइव ला करके आपको बता दूंगा ताकि आप क्लियरली लाइव कर सके, और किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। कट ऑफ को लेकर के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।